हूँ इधरों थोड़ी ठीक है ए तो हिली ना हूँ देखो 5.1 का 14 का 14वें का मैं पहले पंजवा सवाल करवा लगा क्योंकि बाकी मैं करवाते थे फिफ्थ सम है इस लिखे 28 पेंसिलों का पेंसिलों का 3/4 इसका मतलब की है 28 पेंसिलों मीनस 28 हो गया दा का मतलब मल्टीप्लाई गुणा 3/4 की हूँ 4 के टेबल से 28 आता 4 7 28 इतने 7 आ गया यदा मतलब बचिया कि मेरे को 7 × 3 इनू आप 21 कहे 7 × 21 यदा मतलब आंसर की आया 21 पेंसिल 21 पेंसिल का आंसर आया उस तरीके ना बाकी सवाल है एक सवाल होर मैं कर देना फोर्थ सम पहले वैसे करवाता 21 सेबा का 4/7 21 सेबा का 4/7 यदा मतलब की है 21 सेब दा मतलब की होंगे गुणा 4/7 हूँ 7 के टेबल से 7 × 3 कि आ गया 21 3 × 4 आ गया यदा मतलब कि बन गया 12 यह की आ गया 12 सेब यह इस तरीके करना पास होना ठीक है इधर ठीक है मैं इधर कराई ना कहना इन्हें 5.1 का हिलना नहीं 5.1 का फर्स्ट सम है कहता संख्या रेखा से दर्शाओ संख्या रेखा ते दर्शाओ इसका मतलब की है कहता जी मान लो नंबर 1 2/5 इनू संख्या रेखा से लिखना नंबर 2 की है 5/7 हूँ तुम्हें एक मैं सिंपल तरीका दसा टैक दसन लगा मान लो ताड़ी संख्या रेखा स्टार्ट होंगी है 0 तो स्टार्ट होंगी इस पासे नंबर गिनते प्लस से तुम इन्ना पता है कि इतने की है मान लो पहला नंबर आता 1 मैं इतने 1 ले लेना ठीक है हूँ सिंपल जी याद रखनी है ते हर विच की दिता है 5 जिहड़ी चीज़ हर दे विच दित्ती होए उन्नू 1 दे विच कन्वर्ट करना किदा करना जे मैं 5/5 लिखा 5/5 इहदा मतलब की हुंदा 5 ना 5 कैंसल हो गया किन्ना मतलब आ गया 1 इहदा मतलब है 1 है किन्ना आ गया 0 तो बाद 1 इहदे किन्ने हिस्से है 5 1 2 3 4 ते पंजवा हिस्सा ठीक इहदा मतलब यह किन्ने हिस्से बन गए 5 हिस्से बन गए उस तो बाद तुहानू इहने किहा यह पहला हिस्सा बनया 1/5 दूजा बनया 2/5 क्योंकि 5 हिस्से है यह इहदा तीसरा हिस्सा फिर चौथा फिर है पंजवा मीनस 5/5 बन गया जदों सानू यह हिस्से देते इन्हें लभन की किया 2/5 तो मेरे को 2/5 आ गया उस तरीके ने मैं अगला सवाल करना तुहानू इत्थों समझ आएगा हूँ मैं 0 तो फिर स्टार्ट कराँगा कितों तक जावगा 1 तक जावगा इतने 1 आ गया आ गए हूँ तुम दसो कि किन्ने हिस्से है थले कि 7 यदा मतलब मैं 7 हिस्से कराँगा पर 7 हिस्से करने तो पहले लास्ट वाला हिस्सा इतने 1 है 1 की थान मैं लिखा 7/7 क्यों लिखा 7 से 7 कट के 1 ना तो यही थान की लिखता 7/7 हूँ ये कुल हिस्से किन्ने 7 1 आ गया 2 3 4 5 6 7 आप मान लें 1 2 3 4 5 6 7 7 हिस्से हो टोटल देखो ध्यान ना मेरी गल सुनो ध्यान ना जो किसी चीज़ को डिवाइड करते हैं किसी चीज़ ना डिवाइड का मतलब हिस्से करने डिवाइड का मतलब वंडना डिवाइड का मतलब भाग करना आप किन्ने हिस्से बनाते थे 7 जो 7 हिस्से बनाए यदा मतलब इनू आप लिखते हैं 7/7 का मतलब 1 ही होंगे सब तो पहले तुम्हें कि पॉइंट लेना 1 इतने कि आ गया हूँ यह कि आएगा 1/7 2/7 3/7 4/7 5/7 6/7 7/7 3 सानू की चाहिए इनू सर्कल कर दो
उस तरीके मैं तुम्हें एक लास्ट सवाल दसन लगा, वो तुम सारे ने उस तो बाद खुद करना। सब तो पहले देखो एच कहता 3/10 लभो, 5/10 लभो मीनस 5/10 लभो तो 1/10 लभो। तुम दसो थले की है 10 है ना, ये किन्ने हिस्से बन गए? 10 हिस्से बन गए। यदा मतलब पहले मैं 0 तो स्टार्ट करना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 10 हिस्से बन गए। जरा दसवां हिस्सा है इनू मैं इतों स्टार्ट करना, 1/10, 2/10, 3/10, 4/10, 5/10, 6/10, 7/10, 8/10, 9/10, 10/10। लगे पता हूँ सू सब तो पहले की चाहिए 3/10 आ गया सर्कल कर दो। दूसरा कि चाहिए 5/10 ऐ सर्कल कर दो। तीसरा कि चाहिए 1/10 ऐ सर्कल कर दो। की सवाल समझ आया? कर लोगे हूँ इस तो बाद।